नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज का ये चटपटा सिंगदाना का भुजिया बहुत ही वायरल हो रही है, तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखना। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे एक बोल। बोल में पानी डाल देंगे और सिंग भुजिया आधा कप डाल दिया हूँ। उसके बाद अच्छे से उसको धोने के बाद फिर से एक बोल में डाल देंगे और उसमें नींबू का रस, मतलब उसके ऊपर नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद 4 चम्मच इधर में चावल आटा डाल दिया हूँ और 2 चम्मच बेसन। इसके बाद ना सारे मसाला को डाल दिया हूँ। मसाला जो जो मैं लिया हूँ ना सारे डिक्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद अच्छे से डालने के बाद मसाला उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैंने सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। और इसके बाद ना थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मतलब ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, खाली बेसन और चावल की आटा सिंगदाना के ऊपर खाली कोट होना चाहिए। और ये देखिए, और इसके बाद कढ़ाई बैठा दिया था, उसमें तेल डाल के गरम करने के लिए, और गरम तेल हो गया है। मीडियम फ्लेम में रख के और उसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी एंड चटपटा रेसिपी है दोस्तों, 2 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। आगे जो भी मैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स लिया हूँ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से चेक लीजिएगा। और ये देखिए सारे मैंने सिंगदाना को डाल दिया हूँ और उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कुरकुरा ना हो जाए। और ये देखिए कुरकुरा हो गया है, तो मैं अभी सारे चीज मतलब सिंगदाना भुजिया को निकाल रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही चटपटा है दोस्तों, सबको पसंद आएगा, बड़ों से लेकर बच्चों को सबको पसंद आएगा। चाय के साथ आप इस रेसिपी को मतलब इस सिंग भुजिया को ले सकते हैं, या फिर किसी भी पार्टी वगैरह है आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। तो चलिए बनाते हैं। बाय बाय।